स्वामी गंगे हर हर गंगे भाई साहब बड़े हरी गंगा घाट आने वाले सभी स्नानार्थियों तीर्थयात्रियों का मनिहारी गंगा घाट पर हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार निर्भय, नमामि गंगे मनिहारी। आप सभी जब आए तो चूँकि गंगा जी का जो जलस्तर है अभी खतरे के निशान से नीचे नहीं गया है, इसलिए गंगा जी में स्नान करते वक्त सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर नगर पंचायत मनिहारी की ओर से व्यवस्था वहाँ की गई होगी तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका पालन करें। और गंगा जी में जो है किसी प्रकार का जो है अवशिष्ट शैम्पू तेल वगैरह साबुन या कूड़ा कचरा कुछ भी ना फेंकें। और अगर पूजा पाठ के निमित्त भी कुछ लाते हैं तो सिर्फ पूजा पाठ करें, लेकिन गंगा जी में पॉलीथीन वगैरह कपड़े वगैरह ना डालें और ना छोड़ कर जाएँ। अगर वो ऐसा है, अगर आपके पास बच जाता है तो या तो किसी को दे दें, या तो जहाँ कूड़ा घर होगा या कूड़ा रखने का हो डस्टबिन होगा आप वहाँ पर रखें, लेकिन गंगा नदी में ना डालें, क्योंकि इससे गंगा नदी प्रदूषित होती है। आप जो जल लेकर के गंगा जी का जो जल लेकर के पूजा पाठ के लिए लेकर जाएंगे, अगर आप शैम्पू तेल वगैरह इस्तेमाल करेंगे, साबुन इस्तेमाल करेंगे, तो वो जल बहुत गंदा होगा और यह जल जो है कई तरह की बीमारियों का घर बन सकता है। इसलिए गंगा जी में ऐसा ना करें और किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ, अवशिष्ट ना फैलाएँ, प्रदूषण ना करें, क्योंकि गंगा नदी में बहुत सारे जलीय जीव भी रहते हैं, उनका भी जीवन है उसी प्रकार जिस प्रकार अपने हैं। और जिस प्रकार की मनसा लेकर हम आते हैं तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ के लिए गंगा जी में स्नान करने आते हैं और ये मनसा लेकर आते हैं कि गंगा माँ हमारा कल्याण करेंगी, हमारे परिवार का कल्याण करेंगी, हमारे समाज का कल्याण करेंगी। तो इस निमित्त जो है ये ध्यान रखना है और गंगा जी में जो है किसी प्रकार का प्रदूषण ना करना है। और किसी प्रकार का सहयोग या सहायता की ज़रूरत पड़े वहाँ पर तो स्थानीय जो लोग होंगे या वहाँ पुलिस होती है, पुलिस की व्यवस्था है और प्रशासन के लोग भी होते हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनसे भी किसी प्रकार दिक्कत होगी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और हमारे लोग भी जो हैं कोशिश करेंगे कि हमारे लोग नॉर्म देंगे कि लोग जो हैं वो भी वहाँ घाट पर मौजूद रहें, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं एक सहायता नंबर यहाँ दूंगा और आप उस पर भी जो है संपर्क करके किसी प्रकार की जानकारी मनिहारी गंगा घाट के बारे में ले सकते हैं। धन्यवाद।